साथियों, मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना मध्य प्रदेश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके जरिए मेरा चैनल और भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, एकेडमी भी अच्छी चल रही है। सभी की दुआएं और कृपा है टेकी सरकार की, वाला ही सरकार की, माता रानी की। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये था, जब मैं सुबह क्या आज मैं घर से ग्राउंड आ रहा था तो मैंने देखा कुछ लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। वो मेहनत बहुत दम से कर रहे हैं, लेकिन ना लास्ट टाइम ये छोटी छोटी गलतियां अगर करोगे ना, इन छोटी छोटी गलतियों से नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा। इतनी मेहनत की है, सबकी सब पानी में मिल जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है, मैंने देखा लड़कों को, कुछ लड़के रोड पर रनिंग लगा रहे थे। सबको पता है, सब ने बोल रखा है, सब मालूम है कि रोड पर रनिंग लगाने से दिक्कत होती है, लेकिन पता है क्यों लगा रहे हैं वो रोड पर रनिंग? एक्स्ट्रा करने के चक्कर में, क्योंकि पास में भर्ती है, अपन जितना ज़्यादा वर्कआउट कर पाएंगे यार, जितना लंबा जा पाएंगे उतना फ़ायदा है अपने लिए। यार ऐसा किसने बोला ये कि आप रोड पर रनिंग लगाइए, लंबा जाइए और आपका फिजिकल में उधर आएगा? ग्राउंड किस लिए बनाए यार? एक कॉमन सेंस वाला सोचना चाहिए, सिंथेटिक ग्राउंड किस लिए उस पर ऐसा सिंथेटिक का बनाया गया? चलो अपने पास वो नहीं है अवेलेबल, लेकिन मिट्टी वाला ग्राउंड तो होता है, वो तो अपने पास में है, तो उसका यूज करिए ना। आप ग्राउंड पे जाइए, आप लॉन्ग रनिंग, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप जाते हो, मानता हूँ मैं, लॉन्ग रनिंग आप रोड पे लगाते हो, लेकिन उसका घाटा कितना आपको पता है? आपके पैर में लॉन्ग रनिंग अगर आप लगाते हो, इस टाइम एक भी इंजरी अगर आपके पैर में आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एक ही इंजरी आपको 10 से 15 दिन बैठा सकती है। अगर आपको अभी मैं बता रहा हूँ, अगर 4 से 5 दिन अगर रिलैक्स होता है तो पता है कितना टाइम गिरता है आपका? अगर आप 5:20 में आ रहे होगे तो उधर आप बाहर हो जाओगे एक्सीडेंट से, 5:10 में आ रहे होगे तब भी आपके चांसेस है। इसलिए रोड पर रनिंग मत कीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ग्राउंड पर आइए। आपके अगर ग्राउंड पे भी नहीं आ रहा, रोड पर रनिंग लगा रहे तो रोड के साइड से लगाइए, जिस तरफ जहाँ मिट्टी होती है ना लगाइए, तो आपके जो है इंजरी वगैरह ना हो। और ज़्यादा अभी थोड़ा ठंड का माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने एक ये भी देखा लड़कों को, जैसे ही उनने रनिंग स्टार्ट की और थोड़ी सी बॉडी में हीट हुई, गर्मी हुई, और वो अपने आप क्या करते हैं, इसको स्वेटर को या अपर को निकाल के फेंक देते हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार, एकदम से गर्म, ऐसे आपने जैसे 2-3 राउंड लगाए, बॉडी थोड़ी सी गर्म होती है, और अगर ऐसे आप अपर फेंक देते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपको एकदम बॉडी गर्म, फिर एकदम सर्दी पकड़ती है, तो आपको सर्द गर्म होने के चक्कर में आपको फीवर भी आ सकता है। ठीक है, तबीयत ख़राब हो सकती है, और बॉडी में एकदम से ठंडक बैठती है ना, तो अंदर हड्डियों तक भी आपकी ठंड जा सकती है, और ये बहुत दिक्कतदायी होती है। इससे आपको उल्टियाँ भी होने लगती हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है ये ठंड। तो ठंड से भाई, ठंड से बचना है, ठंड में नहीं, ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ आप ऑफर वगैरह ले लीजिए। अपन नए स्वेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन तो स्वेटर से भी लगा सकते हैं, तो स्वेटर का यूज कीजिए, पर ऐसे ठंड में रनिंग मत लगाइए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, लास्ट टाइम चल रहा है यार, जितना है लास्ट टाइम पे बंदों के लिए काम में आए, इसलिए ये वीडियो बनाई मैंने। यार पावर कितना लगाओगे बॉडी में, कितना पावर है, चलो मैं पूछता हूँ। अगर आप पावर पूरा एक ही राउंड में लगा दोगे तो क्या पूरे 4 राउंड हो जाएंगे? अपन को 4 राउंड दौड़ना है, 4 राउंडों में आपको स्टेप डालना पड़ेगी। अगर 4 राउंडों में आप स्टेप नहीं रखते हो तो सीधी सी बात है, कितनी दम लगाओगे? एक टाइम तो पैर भरना है, बॉडी भरनी है, ठीक है, हाथ भरने हैं आपके, तो ऐसा ना हो। इसलिए स्टेप है ना, स्टेप का वर्कआउट कीजिए, स्टेप बनाने की कोशिश कीजिए, पैर लंबा रखिए, लंबा कदम रखिए। और इसके लिए कैसे क्या एक्सरसाइज वगैरह करनी है, स्ट्रेचिंग क्या करनी है, ये मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उससे देख लीजिए कैसे क्या स्टेप के लिए करना है, तो स्टेप का यूज कीजिए। और जितने भी राउंड आप लगा रहे हो, जैसे कि 8 राउंड लगा रहे हो, 10 राउंड, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी रनिंग लगा रहे हो, उसमें कम से कम आप 5, जैसे मान के चलिए 5 किलोमीटर रनिंग आप एक शेड्यूल में लगाते हो सुबह, तो कम से कम 3 किलोमीटर उसमें आपकी स्टेप होनी चाहिए। अगर आप 2 किलोमीटर लगा रहे हो तो 2 किलोमीटर में कम से कम आपकी 1800 मीटर स्टेप में होना चाहिए। अगर आप 3 किलोमीटर लगा रहे हो तो आपकी कम से कम 2500-2600 मीटर स्टेप में चलना चाहिए। अभी स्टेप में रनिंग को लगाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सको और अपनी रनिंग भी जो है 4 राउंड की टाइमिंग कम कर सको। ठीक है, ये वीडियो शेयर कर देना भाई, जिससे जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे जो गलतियां कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को ना दोहराएं। और मुझे पता है कि लड़के कितनी मेहनत करते हैं यार, आर्मी के फिजिकल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, शिद्दत से लगे हुए थे, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, सही जानकारी नहीं पाती, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो वीडियो शेयर कर देना, और अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी MP पुलिस SI के लिए भी मैं
वीडियो डालने वाला हूँ, अभी आर्मी का चल ही रहा है तो वीडियो में डालता रहता हूँ, तो आपके पास में सबसे पहले वीडियो पहुँचे बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।